पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है, मैं जनपद शामली से आया हूँ। वो फोन मैडम का फोन, पैदल सिटी में पैदल चल रहे हैं और कहने की भ्रमण इसलिए जी सिटी में पैदल चल रहे और कहने की देश को जगाने का काम कर रहे हैं। शहीद आज़ादी के इतने साल हो चुके, 7 दशक से ऊपर हो चुके और आज तक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो आज मुरादाबाद आने का क्या है? मुरादाबाद ये किसवा जिला है, देश के हर जिले में जाना है, डीएम साहब को ज्ञापन देना, राष्ट्रपति महोदय से हम मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जिस दिन शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है उसमें आतंकवादी बताया गया, वो शब्द हटाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक है उसमें 20वें अध्याय पर 20वें पेज पर आज मिलिटेंट बताया गया। आप तो क्या गृहमंत्री को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए? नहीं, गृहमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम हर जिले में जा रहे थे। हम कल अमरोहा थे, परसों बिजनौर में थे, हम हर जिले में जा रहे हैं। हर जिले में जा रहे हैं प्रत्येक। आपके शरीर पे आपने ये टैटू नहीं है, ये उन शहीदों के नाम है जो शहीद आए दिन बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। जिस माँ का लाल जाता है उस माँ को पता चलता है कि शहीद का मतलब क्या होता है, शहीद का दुख क्या होता है। उस बहन को पता चलता है जिस बहन का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, शहीद का पता चलता है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनका बाप का साया उठ जाता है। कहीं ना कहीं शहीद का याद तब तक किया जाता है तब तक शहीद की तेरहवीं नहीं हो जाती, लेकिन तेरहवीं होने के बाद में शहीद को सब भूल जाते हैं। शहीद परिवार चक्कर काटता है कई वर्षों तक अपनी मांगों के लिए, अपनी कहीं ना कहीं जो उनकी धनराशि है उसको प्राप्त करने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं। तो आप सरकार से क्या अपील? सरकार से अपील करना चाहते हैं हम, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और कहीं ना कहीं आज सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं उन्हीं के कारण घूम रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन मिलेगी। सवाल ये है कि आपकी जो पीठ पे टैटू है, नाम गुजर हुआ है, ये शहीदों के नाम है जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं उनके नाम है जो क्रांतिकारी बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं? बॉर्डर पर भगत सिंह यहाँ हमारे सीने पर है, जो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, पीठ पर वो नाम है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे कण कण में नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक है, प्रत्येक जो आदमी है सबके कण कण में शहीद बसते हैं, भगत सिंह बसते हैं, राजगुरु बसते हैं, हर कोई यहाँ पे अपने आप में क्रांतिकारी है। लेकिन उस क्रांति को जगाने की जरूरत है। 142 करोड़ देशवासियों के अंदर क्रांति है, देशभक्ति है, ये जुनून है, जज्बा हर किसी के अंदर है भगत सिंह वाला। अब आपने ज्ञापन दे दिया? ज्ञापन दे दिया। अब आगे? आगे हम रामपुर में जाएंगे, सोमवार को हमारा रामपुर में ज्ञापन देंगे। अभी कौन कौन से जिलों में? हम सबसे पहले शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, हयमुनानगर, केथल, जींद और करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, मथुरा, हापुड़, बुलंदशहर और आपके मुरादाबाद में दे चुके हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।